अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल रहीम खादरी। हर खबर से बाखबर हमारी है सब पे नजर। टी नाइन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि आप मौसम में इंतखाबात की सरगर्मियां हर पार्टी से देखी जा रही है। देखने में यह आ रहा है कि तेलंगाना में बड़े बड़े दिग्गज नेता, बल्कि खुद वजीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी भी जो है तेलंगाना में घूम रहे हैं। कल वो कामारेड्डी आए, उसके बाद जो है महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आकर उन्होंने अपने जो है कैंपेनिंग की। अब जैसा कि देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ वजीर आला जो है यूपी के हैं, और हैदराबाद में आकर जो है उन्होंने यहाँ पे कैंपेनिंग की, और वो समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ये पता नहीं चलता कि उनको यहाँ पे बुलाए क्यों। आवाम का ये कहना है कि हकीकत जो है बीजेपी एक फिरका वाराना पार्टी है, और जो है मुसलमान और हिंदू में लड़ाने वाली पार्टी है। जैसा देश वैसा भेष, जिस तरीके से राजा सिंह बोलते हैं उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। वो यहाँ पर हैदराबाद आकर उनकी लोगों ने कहा कि उनकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पे खुद के अब तलक के कपड़े नहीं बदल सके, लेकिन आज जो है हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखेंगे। आइए देखते हैं हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट मुख्तार अहमद की गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैं आपका आह्वान करता हूँ भाई बहनों, 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में रामलला। मुझे बताइए भैया बहनों, कांग्रेस ने तो यहां इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं, भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहां पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस दृश्य आपके पास आए हैं। 22 जनवरी के बाद आप श्री वेरी सस्तर रेड्डी को चुनाव जिता करके भेजिए, और बदले में मैं उनसे अपील करूंगा कि भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए।